हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ग्रो टैलेंट पर। हाँ जी, मेरा नाम है दीपक निषाद और आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक्सपेरिमेंट नहीं, आज हम करने जा रहे हैं कुछ लेक्चर रिकॉर्ड। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। सो गाइज, फॉलो मी। अब दोस्तों, सेल बायोलॉजी में अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली सेल के बारे में। सेल है क्या है, मतलब क्या फंडा है सेल का? देखो, अगर थोड़ा सा मैं अब ऐसे समझाऊँ आपको एज अ फ्रेंडली, थोड़ा सा बुक्स वाली चीज़ पे ना जाके थोड़ा सा दिमाग से समझा तो सेल क्या है। किसी भी आप देखो प्लांट को देख रहे हो, ठीक है, प्लांट में आप छोटा पत्तियों को देख लो, लीव्स को देख लो, लीव्स में भी आप छोटा सा उसका पार्ट तोड़ोगे ना, उसको देख लो और उसके भी छोटे अंदर में जाओगे, तब बनती है एक यूनिट सेल। सेल क्या करेगा, सेल टिश्यू बनाता है और टिश्यू क्या करता है, पूरा टिश्यू सिस्टम बनाता है। पत्ती की एक वो यूनिट, एक वो सेल जिससे दो सेल से काफ़ी ज़्यादा सेल, तो टिश्यू वाला एरिया बना देते हैं वो, और टिश्यू से पूरा का पूरा वो लीफ प्लांट पूरा एक। तो ये मैं प्लांट के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर एनिमल, मैं खुद का एग्जांपल ले लूँ, इतनी बड़ी बॉडी आपको दिख रही है, सेल्स में छोटा सा पार्ट ले लो, ले लिया, ठीक है, हमने सेल्स मान ली, छोटे से पार्ट में सेल्स हैं, ठीक है, सेल और काफ़ी सारी सेल्स को जुड़ जुड़ के बना रही हैं, ठीक है, तो टिश्यू बना लिया और टिश्यू ने क्या बना दिया, पूरा टिश्यू सिस्टम बना दिया। और वो टिश्यू सिस्टम क्या कर रहा है, बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी की संरचना एक यूनिट से तय होती है, यूनिट से बनती है, दैट इज सेल। तो हमने वो लाइन भी पढ़ी होगी, काफ़ी अरसे से पढ़ते भी आ रहे हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि एक उसका स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सेल होती है। तो इसी तरीके से देखो, थोड़ा मोटा मोटा जाओ ना, आप सेल्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ई के सेल और एक पी के सेल। ई के मीन्स यूकैरियोटिक सेल, जिसमें कि आप प्लांट को ले लो और एनिमल को ले लो, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, ये रही, आप किसी एक बैक्टीरिया को उठा लो, चलो एक बैक्टीरियल सेल को देखोगे तो दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। इफ यू विल गो ऑन प्लांट सेल और एनिमल सेल, दीज आर द यूकैरियोटिक सेल। तो अब थोड़ा सा बुक्स वाली नॉलेज पे आ जाए भाई, बुक्स में व्हाट इज सेल, है क्या सेल। तो देखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वो आपको मैंने बता दी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, हमारे पर्टिकुलर जो रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में, ठीक है, तो उनमें सेल्स की तो भूमिका है ही। उसके बाद आप आ जाओ, फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कितना पढ़ा है यार, रॉबर्ट हुक तो याद रखो, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, एक कॉर्क का पीस था जिसमें से इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है, इन ए पीस ऑफ कॉर्क, और उन्होंने नाम क्या दिया था, उसे सेल दिया था। सेल एक्चुअली नाम किसका है, कहाँ से आया, ये आया आपका सेलुला। सेलुला क्या है, एक लैटिन वर्ड है, इस सेलुला से ही ड्राइव हुआ आपका सेल, ठीक है, जो कि किसने दिया है, जो कि दिया रॉबर्ट हुक ने, किस सन में, 1665, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे तो पता नहीं है, काफ़ी लोग अपने अंदाज में प्रोनाउंसिएट करते हैं उसको, तो मैंने किया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये क्या थे, जो फर्स्ट पर्सन थे लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था, किसमें, माइक्रोस्कोप में, अंडर माइक्रोस्कोप। और उन्होंने क्या नाम दिया था उनको, एनिमल क्यूल्स नाम दिया था उनको, ठीक है, किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर, मतलब कि इंटरनल पार्ट को आप सेल को देखो, सेल्स के इंटरनल पार्ट के बेसिस पर इसको क्लासीफाई हम कैसे करते हैं, इसको क्लासीफाई किया जाता है दो पार्ट में, एक कौन सी हो जाती है आपकी, जो मैंने की बता दिया पहले आपको, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी वाली आपकी यूकैरियोटिक सेल्स हो जाती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल आप दिमाग में ले लो कि भाई क्या क्या हो सकता है प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरिया या फिर आर्किया, किसी भी बैक्टीरियल सेल को आप देखो, अंदर से जाओ, फुल्ली डेवलप उसका न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, आपका जो क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा रहता है, और उस जगह एक न्यूक्लियोइड कह सकते हैं उसे आप, और क्या होता है आपका प्लाज्मेट। और थोड़े सेल्स के स्ट्रक्चर पे आओ, सेल वॉल है, सबसे अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, उसके बाहर कैप्सूल आ जाता है,
ठीक है, कैप्सूल पे क्या है, पिलाई लगे होते हैं, ठीक है, और एक यहाँ से फ्लैजिला निकला हुआ होता है, दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका एग्जांपल आप देखो तो ये मान लो ना प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल में आओ तो एक मैंने कॉमन सा एग्जांपल ले लिया है सेल, इस वाली सेल का, अपने प्लांट का, इसमें फुल्ली डेवलप आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा, न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ आपकी ये दिख रही होगी, गंदी ड्रॉइंग बनाई है लेकिन दिख रहा होगा, ये आपकी वैक्यूल हो गई, ठीक है। इसके अंदर और भी ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं, आपका लाइसोसोम हो गया आपका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई आपकी, गोल्जी एपरेटस हो गया, जो भी ऑर्गेनेल्स होने चाहिए वो फुल्ली डेवलप इसके अंदर है यूकैरियोटिक सेल में। तो दोस्तों बड़ा अच्छा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा बकायदा, इसका बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना के और पी के सेल का भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना के जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। एक थोड़ा सा मोटा मोटा वही चीज़ है दोस्तों, एक यूनिट होती है, ठीक है, जिससे हमारी पूरा टिश्यू सिस्टम बन रहा है और टिश्यू सिस्टम एक इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है हमारी बॉडी के लिए, दैट इज द सेल। जो प्लांट हो, चाहे आपकी एनिमल हो, चाहे देसी भाषा में कहें तो कीड़े मकोड़े ऐसी मत कहना, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल हमारी, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया हमारा, इनकी सेल हो गई, ये प्रोकैरियोट्स हो गए, ठीक है। तो दोस्तों बस यही है, थोड़ा सा इसमें ये याद रख लो, रॉबर्ट हुक को याद रख लो, एंटोनियन ल्यूवन हॉक ने क्या किया था, अपने खुद के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल्स को, ठीक है, इनको उन्होंने क्या नाम दिया था, एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। इसके बाद वही इंटरनल आर्किटेक्चर के आधार पर सेल्स दो प्रकार की हो जाती है, आपकी प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो साइटोप्लाज्म होता है उसका प्रोटो साइटोप्लाज्म कहे, तो साइटोप्लाज्म में सारे के सारे ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं जो कि अपना एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। प्रोकैरियोट में ये सब नहीं होता, फुली डेवलप नहीं होता कहे तो, रेगुलर होता ही नहीं है उसमें। उसमें क्या होता है, आपको डीएनए आपको साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ दिख जाएगा न्यूक्लियोइड एज अ न्यूक्लियोइड के रूप में, और दूसरा आपका प्लाज्मेट होता है, उसके बाहर सेल वॉल, फिर कैप्सूल आ जाता है, पिलाई एक फ्लैजिला निकला हुआ होता है, दीज आर द प्रोकैरियोटिक, एंड जो यूकैरियोटिक है वो यूकैरियोटिक है। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार क्या करना है, वही करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है, नीचे लाइक का बटन दिया होगा दबा दो उसको, और हाँ लाल बटन दिया होगा सब्सक्राइब का इसको तो जरूर दबा देना, वही इसको दबा रहे हो तो यार एक बेल आइकन भी दिया होगा उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, परेशान नहीं करेंगे, बस आपको हल्की सी नॉलेज देंगे। तो दोस्तों बाय बाय।